Hello and welcome to another episode of Insightful Leaders by College Dunya. Our main initiative is to bridge the gap between the top management and the aspiring students. So today we have with us Apol Mishra, who is the Director, Public Relations of Renesa Indra Group of Institutions and Renesa University. Sir, greetings from College Dunya. Thank you very much. So, sir, being the Director, Public Relations of Renesa Indra Group of Institutions and Renesa University, what is your philosophy of leadership? Leadership, in my way, you have to learn how to distribute your success in your team. Meri leadership ki paribhasha bahut alag hai. वो ये भी कहती है कि आपको हमेशा पीछे खड़े होना है और अपनी टीम को आगे रखना है, हमेशा सम्मान और सफलता का जो अप्लॉजेस मिले हैं दुनिया से वो टीम में बराबर बटना चाहिए। ग्लोरी, कैमरा, लाइट्स, इसकी अगर आप में बहुत चाह है तो आप अच्छे लीडर नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ आपकी टीम के साथ बटना चाहिए। चुपचाप पीछे खड़े रहने वाला शांत व्यक्ति भी एक बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, जिसने सब कुछ किया है लेकिन वो चाहता है कि सारा कुछ उसकी टीम को मिले। सो लीडरशिप में बहुत सेक्रीफाइस है। हो सकता है ये दुनिया भी परिभाषा ना हो लीडरशिप की, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत परिभाषा है कि अगर आप में त्याग करने की क्षमता है तो आप अच्छे लीडर हैं। देन पीपल विल रिकॉग्नाइज दैट My leader is not selfish, How I define leadership. Okay, great, sir. So the next question is, how does the curriculum of Renesa ensures the best practice of the industry is being followed? Dekhi, Renesa is an undergraduate college and our PG is connected with Renesa University. तो आपका जो प्रश्न है industry interface वाला, ये जो 12th करने के बाद young teenagers जिनके लिए दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, पहली बार उन्हें स्वतंत्रता समझ में आती है स्कूल से निकलने के बाद। What is the meaning of freedom? They smell freedom and they have a lot of space to show off their ड्रेसेस, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी। तो कॉलेज इज अ स्टार्टिंग, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द टीनेजर्स रादर टू लिटिल फ्लॉन्ट देमसेल्व्स। बहुत कम ऐसे टीनेजर्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रेट माइंडसेट के साथ कॉलेज में आते हैं कि हमें ये करना है, हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित है। अच्छा, कंफ्यूजन विद टीनेज इज सो synonym, so rational. ऐसा कहा जाता है कि अगर एक टीनेजर कंफ्यूज्ड नहीं है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस उम्र में कंफ्यूजन साथ में चलता है आपके, और अगर एक अंडरग्रेजुएट कॉलेज में आपका मार्ग प्रशस्त किया जा सके और आपको आपकी ताकत का एहसास दिलाया जा सके, जो बामुश्किल काम है, लेकिन आपको अगर ताकत का एहसास हो गया कि मैं इस चीज के लिए बना हूं, तो फिर सफलताओं की कहानियां अलग तरीके से लिखी जाती है। तो अंडरग्रेजुएट कॉलेज में बहुत तराशने की आवश्यकता होती है यंग स्टूडेंट्स को, और पीजी में जाके जब चीजें सब कुछ, इवन सिलेबस इज डिजाइंड एज पर द कॉर्पोरेट नीड्स, वहां का एडुकेशन जो है वो बिल्कुल अलग है और बहुत फोकस्ड है। लेकिन आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां आप अपनी नींव बेहद मजबूत कर सकते हैं, और पीजी आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है अगर आपने 3 साल सिर्फ कैंटीन में ना बिताए हो कॉलेज की। वेरी ब्यूटिफुली आंसर्ड सर। सो व्हाट आर द वेरियस चेंजेस यू वुड हैव नोटिस्ड इन द एजुकेशन इंडस्ट्री ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? एजुकेशन इंडस्ट्री के जो चेंजेस, मैं अपने आप को अगर पैरामीटर मान लू कि मेरे समय का एजुकेशन जो था वो बहुत बुकिश था,
लेकिन आज एजुकेशन के रूप में हमें स्टूडेंट्स को जिंदगी पढ़ाना पड़ती है. किताबें, सिलेबस और वो जो डोमेन एरिया है वही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है. आप लोगों की जनरेशन जो है बहुत सारे चैलेंजेस है आपके आगे. हमारी जिंदगी और हमारी पीढ़ी के लिए दुनिया थोड़ी सी आसान थी, इतनी मुश्किलें नहीं थी और इतनी समझ भी नहीं थी. आज मुश्किलें हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज हैं. कंफ्यूजन, हमें लगता था कि एजुकेशन से कम होगा, लेकिन कंफ्यूजन वही की वही विद्यमान है. तो आपको अल्टीमेटली उन युवाओं को सब कुछ सिखाना पड़ेगा जिंदगी में, सिर्फ कोर्स और सिलेबस के अलावा भी. आपको उनके कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, आपको उनकी बोलने की क्षमता पे काम करना पड़ेगा. लैंग्वेज इज अ मेजर इशू विथ करंट जनरेशन. नोबडी वैल्यूज लैंग्वेज एक्चुअली. तो हिंदी और अंग्रेजी जो है वो जबरदस्त समस्याएं हैं, और उसके कारण कई बार आत्मविश्वास टूटता है स्टूडेंट्स का. अकारण बुद्धिमान और टैलेंटेड होने के बावजूद सिर्फ अंग्रेजी का ना आना उनको लगता है कि उनको अपराध की श्रेणी में खड़ा कर देता है. उनको लगता है कि जैसे कोई क्राइम हो गया मुझसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता. महफिलों में संकोच होता है, पार्टीज में, कई बार दोस्तों के बीच में. और ये संकोच जो है, जब पीजी के बाद उनका प्लेसमेंट होता है तो ये कॉर्पोरेट्स के बिजनेस मीटिंग्स तक जाता है. वहां भी वो बोल इसलिए नहीं पाते हैं कि कहीं आर्टिकुलेशन गलत ना हो जाए. एंड आई वाज अ बैड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, सो माय ग्रामेटिकल मिस्टेक कन्वर्ट मी टू अ लाफिंग स्टॉक. सो दे हैव सो मच ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दैट कॉन्शियसनेस किल्स देयर कॉन्फिडेंस. तो भाषा इतनी महत्वपूर्ण है. And language is expression. अगर आपके पास भाषा नहीं है तो जिंदगी में आप कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ना ऑफिस में ना घर पे. So expressions बहुत important है. जो आप चाहते हैं वही बोले तो बेहतर होगा, और उसके लिए लैंग्वेज चाहिए. वरना लैंग्वेज हमेशा कंफ्यूजन करती है कि आप चाहते क्या है और आपके मुंह से निकलता क्या है. तो बड़े सारे चैलेंज है इस पीढ़ी के सामने, और उनको बहुत काम करना है अपने आप पे. बहुत कंपटीशन है, और उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि सिर्फ एकमात्र सफलता ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है. आपको इंसान भी बनना पड़ेगा. इंसान बनने का कोई प्रेशर नहीं है आज के स्टूडेंट्स को, कोई प्रेशर नहीं है. जबकि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप एक बेहतर डॉक्टर भी हो सकते हैं. एक खराब इंसान एक बेहतर डॉक्टर कैसे होगा, मुझ जैसा आदमी तो कभी नहीं समझ पाया. तो उनको अच्छा इंसान बनना, ये भी इसके लिए भी प्रेरणा उनको कॉलेज में मिलना चाहिए, स्कूल में मिलना चाहिए. स्कूल के लिए चीजें थोड़ी आसान होती है, क्योंकि उस समय मिट्टी थोड़ी सी नम होती है, नरम होती है, उसको शेप अप किया जा सकता. स्कल्पचरिंग इज यू नो वेरी मच पॉसिबल इन द स्कूल. हम लोगों के पास आते आते थोड़ा सा, थोड़ी सी मिट्टी में कड़ाई आने लगती है, उसका लोच और कैल्शियम थोड़ा सा कम हो जाता है. लेकिन हम कोशिश करते हैं कॉलेज में भी कि तो उनको थोड़ा सा स्कल्पचर किया जाए, तराशा जाए. क्योंकि सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना तो नहीं होना चाहिए. यह तो बहुत छोटा उद्देश्य हो गया शिक्षा का, कि मुझे शिक्षा से रोजगार मिलेगा. रोजगार एक हिस्सा हो सकता है शिक्षा का, लेकिन शिक्षित व्यक्ति तो सब्जी बेचता हुआ भी बेहद खूबसूरत लगता है. शिक्षा आप में आमूलचूल परिवर्तन कर देती है. शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है. सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा लेना अगर ये उद्देश्य है तो माफ कीजिएगा, ये गलत उद्देश्य है. वेरी ब्यूटिफुली आंसर्ड सर, एंड दैट वाज अ वंडरफुल मैसेज फॉर ऑल द यूथ्स आउट देयर. So the next question is, what goals do you have in your mind for your institute over the next few years? We value all the level of intelligence actually. As per the psychologists, there are 10 types of intelligence. And
हमारे हमारे देश में सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस एकमात्र इंटेलिजेंस मानी जाती है कि आपके मार्क्स कितने आए और आपका परसेंटेज क्या है, ये एकमात्र यार्डस्टिक है जिससे हम बुद्धिमत्ता को नापते हैं। यहां से थोड़ी सी गलती होना शुरू होती है, क्योंकि कई बार बुद्धिमत्ता तो ताउम्र हमें समझ में नहीं आती कि हमारी किस हमारी बुद्धिमत्ता का हम प्रयोग क्यों नहीं कर पाते। जैसे कहा जाता है ना कि जब आप विकट परिस्थितियों में होते हैं तब उससे आप निपटते कैसे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो बुद्धिमत्ता का आधार सिर्फ मार्कशीट नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा स्टूडेंट्स इस प्रेशर में होते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। कोई बुराई नहीं है एकेडमिक्स में अच्छा होना, अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन ये एकमात्र पर्याय नहीं है बुद्धिमत्ता का। 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है जिसमें स्पोर्ट्स, इवन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ए इंटेलिजेंस। पेंटर्स आर इंटेलिजेंट पीपल, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, पोएट्स, ऑरेटर्स, ये सब बुद्धिमत्ता के हिस्से हैं। तो रेनेसों का मुझे लगता 2006 में हम आए थे इस शहर में, और शुरुआत से रेनेसों का ये आधार रहा है कि हम ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करेंगे, सारे व्यक्तित्व पे। और हमने कॉलेज में देखे हैं बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि एवरेज है एकेडमिक्स में, बहुत अच्छा बोलते हैं, दे आर वंडरफुल डिबेटर्स, दे आर अमेजिंग राइटर्स, मतलब दे आर प्रोज राइटर्स, दे आर पोएट्स, और इस छोटी सी उम्र में वो पोएट्रीज पढ़ते हैं, अमृता प्रीतम पे बात करते हैं, चार्ल्स डिकेंस पे बात करते हैं, जबकि दिस कम्स अंडर द क्लासिक कैटेगरी। उसके बावजूद एक लॉट है जो अभी भी पढ़ने का शौकीन है, उसको जेफ्री आर्चर भी बहुत अच्छा लगता है और उसको रॉबर्ट लुडलूम का फिक्शन पढ़ना भी बेहद दिल के करीब उसके होता है, पोएट्रीज पढ़ता लिखता है, वो ब्लॉग करता है, उसके अपने विचार होते हैं, अपने विचारों का निर्माण करता है, और वो 60% लाता है, 55% लाता है। तो ये भी लोग मुझे बहुत आकर्षित करते हैं व्यक्तिगत तौर से। ऐसे म्यूजिशियंस हैं, सारंगी बजाने वाले स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, जो कि एक ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट हो गया है, इन दिनों आउट ऑफ फैशन भी है, लोग समझते नहीं है सारंगी क्या होती है, सरोद क्या होता है, लेकिन लोग बजाते हैं उसको और वो उनका एस्थेटिक्स इतना बढ़िया होता है। दे आर नॉट गुड इन एकेडमिक्स बट दे आर अमेजिंग विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। हमें ये समझाया जाता था कि एक बहुत फेमस ऑथर थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग क्लास में जब बैठे होते हैं तो दे आर नॉट इन द क्लासरूम, दे आर लॉस्ट, वो कहीं और होते हैं और हमेशा इसकी सजा पाते हैं, ध्यान कहाँ है आपका। ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, काश के टीचर्स इनको समझ पाए। इनका सबकॉन्शियस बहुत ताकतवर होता है, इनके एस्थेटिक्स, इनकी संप्रेषण की क्षमता, एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। ये बड़े खोए खोए से लोग होते हैं, लेकिन हमेशा ये गुस्से का शिकार बनते हैं टीचर्स का। मुझे लगता है इन ऐसे लोगों को जो पीछे की बेंच पे बैठते हैं, जो वहां होते हुए भी वहां नहीं होते हैं, अगर इनको थोड़ा सा मैच्योरिटी से समझा जाए तो ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। ये बहुत, जैसे शेक्सपियर जैसे लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों का सबकॉन्शियस बड़ा पावरफुल होता है और वो कॉन्शियस माइंड के साथ बड़े साधारण लगते हैं, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं रात को अंधेरे में और टेबल लैम्प के नीचे और एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, तो उनका सबकॉन्शियस सब कुछ उनके पन्नों पे उड़ेल देता है। दीज आर मैजिकल पीपल। तो शिक्षा का अर्थ आपको
हर तरीके से तराशना, आपको बेहतर इंसान बनाना और आप में सोचने की क्षमता पैदा करना, प्रश्न पैदा करना। रोजगार एक हिस्सा हो सकता है, शिक्षा का संपूर्णता रोजगार नहीं। That's so true, and like you as the way you are expressing yourself, I also feel that I also fall in the same category, you know, thoda lost type ka. I went back to my college days and school days. It was a nostalgia song. So the next question is, any suggestions you would like to give to the current youth and aspiring students, jo bhi aapko sun rahe hain? मैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज फैनेटिक रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सप्रेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और मुझे बीए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स या बीए हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो मैं देखता था इनको दिल्ली में, जब मैं वापस आया था वहाँ से, तो बड़े वैल्यूबल लोग होते हैं। तो मैं उनको सजेशन हमेशा देता हूँ अपने अपने स्टूडेंट्स को कि अपनी भाषा को सार्थक करो, उसको उसको ताकतवर बनाओ और इस दुनिया को जानने की कोशिश करते रहो सिलेबस के साथ ही। बहुत बड़ा ग्लोब है, क्यों क्या हो रहा है थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकने की कोशिश करो, ये समझो कि इतने युद्ध क्यों हुए हैं इस धरती पे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टिल सीरिया वॉर, ये हो क्यों रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहे हैं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होना चाहिए और आप सिर्फ सूचनाओं पे मत खेलो। आपको एक सूचना मिलती है, उस पे और पढ़ो आप और उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लो, तो आप सिर्फ सूचनाओं पे खेलने वाले व्यक्ति ना लगो। यू हैव जस्ट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू आर प्लेइंग ऑन दैट, डोंट प्ले ऑन दैट, अदरवाइज यू विल लुक शैलो सून। सो कन्वर्ट दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन into a little research, तो आपको बड़ा मजा आएगा। Knowledge management is a wonderful part of life. और मेरा ये मानना है कि जब आप बोलना शुरू करें तो आपके आसपास सन्नाटा छा जाना चाहिए, क्योंकि लोग कुछ नहीं जानते दुनिया के बारे में, वो कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो जो उन लोगों की कमजोरी है वही आपकी ताकत होगी। इसलिए हमेशा पढ़िए, कुछ ना कुछ नया, वो आपसे आपके कोर्स से अलग होना चाहिए। वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, वो नॉन फिक्शन हो सकता है, वो फिक्शन हो सकता है, वो साइकोलॉजी पे कोई बढ़िया से पॉडकास्ट हो सकते हैं, उसको सुनो। आपकी जनरेशन में तो सब कुछ संभव है। आप विदेश की यूनिवर्सिटीज, आपके भारत की यूनिवर्सिटीज में जो सबसे बढ़िया लेक्चर्स हैं किसी भी टॉपिक पे, आप पॉडकास्ट तो उनको सुन सकते हो। कुछ ना कुछ सुनो रात को सोने के पहले, रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, वोकैबुलरी पे काम करो अपनी, रोज शब्द ज्ञान बढ़ाओ अपना, बिल्कुल आराम से, कोई चेक नहीं करने आ रहा आपको। और मैंने ये देखा है कि हमें कहानियां बड़ी याद रहती है, क्योंकि उसको किसी कॉपी में नहीं लिखना होता है और उसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो दिमाग की खूबसूरती देखिए आप, उसी चीज को बहुत लंबे समय से वो याद रखता है जिसका जिसके आधार पे हमारी हमारा मूल्यांकन नहीं होता। और शिक्षा जो है एग्जाम देने के बाद ही भूलना शुरू कर देता है विद्यार्थी, ऐसा लगता है मुझे कि उसको बहुत जोर लगा के याद करना पड़ता है और दिमाग ऐसे में विद्रोह कर देता है। एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी फिफ्थ क्लास में पढ़ी थी, फिफ्थ क्लास की इंग्लिश पोएट्रीज याद है मुझे आज तक, कहानियां याद रहती है। तो आप दिमाग को स्ट्रेस मत दो, हर चीज को याद करने की, उसको यहां फिक्स करने की हार्ड ड्राइव में कोशिश करना जो है वो भी ना समझिए, उसको आत्मसात कर लो अगर उस कहानी को, उस कोटेशन को, तो आपके साथ चलता है जिंदगी भर। और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता है कि शिक्षा जो है लोगों के साथ नहीं चल रही है जिंदगी भर। क्यों नहीं चल रही है? और लिटरेचर से मैं ये कहना चाहूंगा कि लिटरेचर से कटना जो है उसका भी असर समाज में, दुनिया में दिख रहा है।
आप सिर्फ साइंस, आप सिर्फ कॉमर्स, आप सिर्फ मैनेजमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा मानवीय बनाएगा। बड़ा मजा आएगा। भारतीय साहित्य भी बहुत रिच है, अंग्रेजी साहित्य भी बहुत अमीर है, उनको पढ़ना आपको शायद जिंदगी के और करीब लेके आता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। वेरी ट्रू सर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नो आई विल आल्सो गो एंड आई विल आल्सो स्टडी लिटरेचर। ऑब्वियसली आई ट्रूली एग्री विथ व्हाटएवर यू सेड एंड इट वाज माय प्लेजर टू इंटरव्यू यू सर। थैंक यू सो मच। Wonderful. This is my pleasure too. Thank you very much and all the best.